राजस्थान बिना उपखंड की उप तहसील नागोला में सोनम ग्रुप ऑफ कॉलेज का भव्य शुभारंभ हुआ। सोनम पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रबंध संचालक सीएल ठिकरिया ने बताया, ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा की कमी देखते हुए यह पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोला गया है, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। दरमियान कॉलेज शुभारंभ के दौरान बिनाय प्रधान संपत राज लोढ़ा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। यह कार्यक्रम रामदेव गुर्जर की अध्यक्षता में हुआ। इस समय इलाके के ग्रामीण भी उपस्थित थे। एक्सप्रेस वन न्यूज के लिए बिनाय से घनश्याम दास की रिपोर्ट। ये नागोला की लाज आपके सर पर रखी है सर, हमारे बच्चों का भविष्य हमने आपके सर पर रखा है, इसके लिए आप विशेष इस बात का ध्यान रखें कि नागोला की सरा ने आपको शरण और आश्रय दिया है, जीवन में प्रगति और उन्नति के मार्ग प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए आप भी इन युवाओं को, जो युवा आपके शिक्षण संस्थान में इस नागोला की धरा पर पड़ेंगे, प्रगति और उन्नति प्राप्त हो ऐसी मनोकामनाओं के साथ में मुख्य अतिथि महोदय और अतिथि महोदय मसाले के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए बनाओ कम एक मिनट, थैंक यू। क्योंकि सीएल साहब इस संस्था के परिक्षेत्र के लिए नए हैं, आपको पूर्ण रूप से आपने अपनी संस्था दी, स्थान दिया, आश्रय दिया, स्नेह दिया और वो सम्मान दिया, जिसके कारण देवलिया, विजयनगर और टेकरी में स्थापित होने वाला संस्थान हमारे बनाओ कम स्थापित हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सोनम ग्रुप ऑफ कॉलेज नागोला का उद्घाटन हुआ, जिसमें पॉलिटेक्निक के सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की पढ़ाई यहाँ पे करवाई जाएगी। एवं मैं जिले वासियों से अपील करना चाहूंगा कि आप मेरे को, हमारे सोनम ग्रुप को एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा यहाँ की जनता को, जिन्होंने मुझे इस प्रकार का आशीर्वाद दिया। एवं मैं 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? धन्यवाद। आपका शुभ नाम? सीएल ठिकरिया। क्या पद है आपका संस्था में? इसमें संस्था में सचिव हूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जो राज्य सरकार के द्वारा बच्चों के लिए, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी, राज्य सरकार द्वारा जो बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, एससी एसटी एसबीसी बीपीएल एवं श्रमिक कार्ड वालों को जो छात्रवृत्ति जो दी जाती है, वो हमारे कॉलेज के द्वारा भी दी जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।